देखते हैं जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को हरियाणा निवास में हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री जो कि हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी हैं ने बैठक के बाद जानकारी दी कि केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है जिसमें आधार नंबर के साथ असंगठित मजदूरों को राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोर्ड की पहली बैठक थी जिसके अंदर तमाम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को रजिस्ट्रेशन की ओर ले जाने के लिए जो केंद्र और प्रदेश ने मिलकर ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करी है उसको कैसे आगे ले जाया जाए इस पे चर्चा हुई और ये टारगेट लिया है कि दिसंबर के अंत तक तमाम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए वर्कर्स को हम रजिस्टर कराने का काम करेंगे जिसके अंदर एडीसी नोडल अधिकारी होंगे और उनके साथ लेबर डिपार्टमेंट के चाहे डेप्टी डायरेक्टर हो चाहे डेप्टी लेबर कमिश्नर हो चाहे एएलसीज हो एडीज हो वो फिर मेंबर सेक्रेटरी रहते हुए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे। खबर पंचकुला से है जहां नेशनल यूनिटी सप्ताह के अवसर पर जन औषधि मित्र सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता ने शिरकत की। इस अवसर पर पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित रहे। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेने के मामले में एक पूरा गैंग काम कर रहा है। उन्होंने इस मामले में जांच के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की जानकारी मिली है कि एक गैंग जिसमें काफी लोग शामिल हैं और इसकी छानबीन की जा रही है। और देश डेली में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरें देखते रहिए केएनयूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं केएनयूज।